मुजफ्फरनगर में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव का मतदान छुटपुट घटनाओं के बाद संपन्न हो गया है। दो नगर पालिका परिषद और 8 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में हुआ कैद, जिसमें आज 549 केंद्रों पर 4,58,917 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज हुए मतदान में छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 63% मतदान हुआ है। चुनाव हुए मुजफ्फरनगर में किस तरह संपन्न हुआ है? जनपद मुजफ्फरनगर में आज जो नगर निकाय का चुनाव था वो हमारा संपन्न हो गया है। हर जगह वोटिंग खत्म हो गई है। अब पोलिंग पार्टीज अपने वापसी के रास्ते में हैं, कुछ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंचने के रास्ते में हैं। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 63.8% वोटिंग हमारे यहाँ हुई। सर, कोई अप्रिय घटना पूरे दिन जनपद में कहीं नहीं? कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं। लगभग हमारा ये जो पूरा चुनाव रहा है ये शिकायत विहीन, इंसिडेंट्स विहीन और पीसफुल और पारदर्शी तरीके से कराया गया है चुनाव। कुछ जगह सर फर्जी आधार का नाम आया है? एक आज जगह हमने इसका प्रयास को असफल किया है और जो भी इस तरीके के आधार कार्डों के साथ पकड़े गए हैं उनके खिलाफ FIR कर दी गई है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।